सेंटर में हार्दिक स्वागत है आप सभी को, प्यार भरी नमस्कार। साथियों, चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे जनता से रिलेटेड मुद्दे जो है वो लेकर आपके सामने आ रही है, जिनके ऊपर जनता में विचार बहुत जरूरी है। कैसे दूसरी पार्टियों ने गलत किया है, अत्याचार किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उसके ऊपर काम किया है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर, एक और मुद्दे को लेकर हमारे बीच में है, हमारे मध्य हमारी प्रदेश की प्रवक्ता रजनी सेठी जी, जो कि आपसे इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। उनके साथ में है, उनके दाएं तरफ हमारे प्रदेश की उपाध्यक्षा और महिला मोर्चा की प्रभारी श्रीमती अनुराधा चाड़क जी, उनके साथ में है दाएं तरफ नीना जी जो कि पूर्व में पार्षद हैं, इस तरफ हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री नेहा महाजन जी। अब मैं निवेदन करूंगा रजनी सेठी जी से कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद प्रदीप जी। यहाँ पर आए मीडिया भाइयों का और मेरी बहनें मीडिया से जो हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत और सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे साथ मंच पर विराजमान है महिला मोर्चा की सभी बहनें और मीडिया के इंचार्ज प्रदीप भाई। आज का जो मुद्दा है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ लगातार 70-75 साल से अत्याचार जो हुआ है, उससे निजात अगर किसी ने दिलाई वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई। क्या जम्मू कश्मीर की महिला को मिला सम्मान, ये साबित किया हमारे मोदी जी ने। मोदी जी ने बढ़ाया सम्मान, महिलाओं को मिली पहचान। कहीं ना कहीं महिलाएं आज जम्मू की या कश्मीर की खुद को सुरक्षित समझती हैं और खुद को उस काबिल समझती हैं जो पिछली सरकारों ने हमें काबिल नहीं माना। आप लोगों को पता है कि पूर्व काल से महिलाओं का स्थान बड़ा अग्रणीय रहा है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारों ने, चाहे वो एनसी की रही या कांग्रेस की रही, उन सरकारों ने हमें सेकेंड ग्रेड बनाकर रखा था। ये मोदी जी के आने के बाद 2014 से लगातार हम लोगों का स्थान बढ़ा है, हम लोगों का सम्मान बढ़ा है। 2014 से लगातार मोदी जी अनेकों स्कीमों के माध्यम से महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्कीम्स आप सब भाइयों को पता भी है। उन स्कीमों में ना जाकर मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि एनसी और कांग्रेस ने पिछले 70-75 साल में हम महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, यह आप लोगों को भलीभांति पता है। यहाँ की महिलाओं को अधिकार नहीं था, अगर वो यहाँ से बाहर से किसी पुरुष से शादी कर लेती थी तो उसके हक हकूक खत्म हो जाते थे। तो हमें इन सब से निजात अगर किसी ने दिलाया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से खत्म करके मोदी जी ने ये बात सच साबित कर दी कि महिलाएं जो हैं वो बराबरी का अधिकार रखती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहती हैं, क्योंकि उसके बाद महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना शुरू हुआ। एनसी और कांग्रेस ने आज तक सिर्फ महिलाओं को वोटों के लिए इस्तेमाल किया, और खासतौर से मैं जम्मू की बात करूं तो महिलाओं को सिर्फ अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने यूज किया। मुझे लगता है कि जम्मू की महिला इतनी सक्षम है और इतनी समझदार है कि इनकी राजनीति बड़ी अच्छी तरह जानती है। मैं बड़े विस्तार से ये बात कर रही हूँ कि मोदी जी ने हम महिलाओं को अगर सम्मान दिया तो बदले में हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हम लोग जम्मू से अपनी सरकार चुनकर उनको दें, भाजपा का मुख्यमंत्री चुनकर उनको दें, क्योंकि मोदी जी ने हम महिलाओं को जो 50% हमारा हक बनता है वो दिया है। आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों जो बिल पारित किया गया 33% रिजर्वेशन का, लाया वो बिल कांग्रेस की सरकारों द्वारा था, मगर उस पर मोहर लगाई हमारे मोदी जी ने, क्योंकि उनकी मंशा और उनकी इच्छा बिल्कुल साफ है कि जो वो कहते हैं वो करते भी हैं, और उन्होंने करके दिखाया। आप लोगों ने देखा कि 50% हम लोगों ने मैनिफेस्टो में रखा है कि 50% का आरक्षण हम लोग यूएलबी में, पंचायती राज में, और जो यहाँ पे चुनाव होंगे डीडीसी के, उसमें 50% महिलाओं का हक रहेगा। जो पिछली सरकारों को करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मोदी जी पिछले 10-11 साल से जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। हम सभी बहनों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं
जहां महिलाओं को सम्मान मिलना शुरू हुआ है। आर्मी की बात करूं तो आर्मी में महिलाओं को आज तक कहीं जाने का मौका नहीं मिला। आज आर्मी के हर फील्ड में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। आज देश का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर महिलाएं अपना भागीदारी नहीं दिखा रही। सैनिक स्कूल की बात करूं, सैनिक स्कूलों में बच्चियों की एडमिशन उन्होंने करवा दी है। यहां जम्मू कश्मीर में ट्रेंड ये चल रहा था कि ये पुरुष प्रधान जम्मू कश्मीर बन गया था। यहां सिर्फ कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पॉलिटिकल पार्टीज के पुरुष यहां पर सिर्फ राज कर सकते थे। भाजपा में एक आम महिला को भी शासन करने का मौका मिल रहा है। चाहे वो 33% की बात करूं जब वो लागू होगा, चाहे मैं 50% आरक्षण की बात करूं जब वो लागू होगा। सरकार बनने की बात की ये सब बातें हैं, मुझे लगता है कि हम सब महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि जब सरकार बनेगी और हमारी महिलाओं को उनकी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जो मोदी जी ने लाई भी हैं, चाहे गांव की बहनों की बात करूं, ड्रोन दीदी की बात करूं, जिस तरीके से उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो वो मोदी जी ने साबित कर दिया है। लखपति दीदी की बात करूं तो उसमें मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से उनको स्किल डेवलप करके, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो चाहे अलग फील्ड हो, तो उसमें महिलाओं को कैसे आगे आना है उस लिए उन्होंने काम किया। आप लोग समझ सकते हैं कि पिछली सरकारें जो यहां रही हैं उनकी महिलाओं के लिए क्या मंशा रही है। तो आज मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है, पिछली सरकार जो थी वो महिला विरोधी थी और जो आने वाली सरकार होगी भाजपा की वो महिला हितेशी होगी, ये मैं आपके सामने बिल्कुल कहूंगी। मुझे कहना ये है कि मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मोदी जी आपने हमें सम्मान दिया है, आपने जम्मू कश्मीर की महिला को उनकी स्थान दिया है। 33% तो हम अपेक्षा करते थे कि आप हमें देंगे, मगर 50% जो आप हमें दे रहे हैं उसके हम हकदार भी थे, क्योंकि समाज का जो एक हिस्सा है 50% हिस्सा महिलाओं का है वो मोदी जी ने बता दिया कि हम जम्मू कश्मीर में ये सब देकर आप सभी महिलाओं को उनका स्थान देने जा रहे हैं। यही बात करते हुए बहुत सी स्कीमें मेरी बहन नेहा जी बता रही थी जो अभी ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो रही है, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करूं, 0 ईयर से लेके वो अकाउंट खोल सकते हैं और 10 ईयर्स तक वो अकाउंट खुल सकता है, आफ्टर 15 to 18 ईयर्स वो इसको विड्रॉ कर सकती है बच्ची, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं बेटी को बोझ समझा जाता था। मोदी जी ने बता दिया कि बच्ची जो है वो कोई बोझ नहीं है, बच्ची आपके घर की शान है, बच्ची का आप सम्मान करेंगे तो आपके समाज का सम्मान होगा। मुझे लगता है कि किसी भी समाज को बढ़ाने में, किसी भी देश को आगे ले जाने में महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। आप लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि बाहर की जितनी कंट्रीज हैं वहां महिलाओं को बड़ा उच्च स्थान दिया जाता है, मगर यहाँ की सरकारें जो कांग्रेस की रही हैं इतने सालों तक, उन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। इसीलिए आज जम्मू की पुकार यही है कि महिलाओं द्वारा उनके राइट्स को पहचान कर अपने वोट को सही समय पर देकर मोदी जी के जो सरकार केंद्र में है वो आगे आए और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बने, यही संकल्प लेकर हम लोग यहां से जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण की बात आप कर रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ महिला प्रत्याशी को बीजेपी छूट दे रही है, और वही अगर हम बात करें महिलाएं जो है इस समय देख रही है कि जो महंगाई है, खासकर जो विपक्षी पार्टी उस पर घेर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, किसी का बजट बिगड़ा हुआ है, हर चीज महंगी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा कम दिखा है, तो महिलाएं जो है उस पर बड़ा इस समय नजर बढ़ाए हुए हैं, उसको लेकर क्या कर रहे हैं। देखिए आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हम 33% दे बैठे हैं, बिल पास हो चुका है 33% आरक्षण का, वो इंप्लीमेंट कब होगा, आफ्टर जो सेंसस होगा उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। मुझे लगता है कि जो स्थान बीजेपी ने महिलाओं को दिया है आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया, हमें विश्वास करना चाहिए कि आने वाला समय जो है वो महिलाओं का होगा। इस बार सरकार बना के जब भी हमारा बिल क्लियर होगा उसके बाद महिलाओं को उनका स्थान मिलेगा। रही बात महंगाई की, भाई मेरे मैं भी महिला हूं, महिला के नाते मुझे लगता है कि जितनी महंगाई कांग्रेस की सरकारों में रही है भाजपा की सरकार में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भी गृहिणी हैं, घर का काम करके यहां पर पहुंचती हैं, जो सामान आम महिला ले रही है वही सामान हम भी ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल बेबुनियाद है।
महंगाई का ऐसा कोई असर नहीं दिख रहा। बाकी कांग्रेस का भी डाटा निकाल लीजिए कि उनकी सरकारों में क्या रेट रहे हैं और हमारी सरकार में क्या रेट है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर उनमें नीयत होती करने की तो मुझे लगता है वो उसको क्लियर करते। उनकी नीयत ही नहीं थी महिलाओं को उनकी रिप्रेजेंटेशन देने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। उन्होंने हिमाचल में बहुत कुछ कहा मगर किया नहीं। उन्होंने कर्नाटका में बहुत कुछ कहा मगर किया नहीं। उन्होंने राजस्थान में बहुत कुछ कहा मगर किया नहीं। लोग समझ गए हैं कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, बट भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। पिछले 10-11 साल में आप लोगों ने साक्षात उसको देखा है, ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होते देखा है। धन्यवाद।